नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। देश के लिए अपना जीवन निछावर करने वालों की जननी रीवा के एक और बेटे शहीद दीपक सिंह को मरणोपरांत वीर चक्र के सम्मान से नवाजा गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यह सम्मान शहीद की पत्नी रेखा सिंह को सौंपा। इस मौके पर दीपक की वीरता की गौरव गाथा सुनाई गई। आपको बता दें कि दीपक सिंह गत वर्ष जून में लद्दाख की गलवान घाटी में अचानक हुए चीनी हमले का मुकाबला करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। शहीद दीपक सिंह का जन्म 15 जुलाई 1989 को रीवा के फरहदा गांव में हुआ था। 2012 में भारतीय सेना के बिहार रेजिमेंट में बतौर नर्सिंग असिस्टेंट चिकित्सा कोर में भर्ती हुए थे। 30 वर्षीय दीपक सिंह बिहार के रेजिमेंट में नर्सिंग असिस्टेंट के पद पर कार्यरत थे। उनकी शहादत से ठीक 8 महीने पहले ही उनका विवाह हुआ था और वो अपनी पत्नी से महज एक बार ही मिल पाए थे। वह भी जब वो शादी के बाद पहली बार होली के अवकाश पर घर आए थे। उन्होंने अपनी पत्नी के लिए कश्मीरी शॉल और लहंगा लाने का वादा किया था। शहीद होने के ठीक 15 दिन पूर्व ही दीपक सिंह ने अपने परिवार से फोन पर बात की थी। उसके बाद वह मां भारती की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। उनके इस बलिदान ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। शहीद दीपक सिंह की पत्नी और परिवार के लोग दिल्ली से गुरुवार करीब 11 बजे रीवा पहुंचे, जहां सपूत दीपक के परिवार का स्वागत करने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के साथ पूर्व सैनिक और परिवार के लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान जनार्दन मिश्रा ने स्वागत करते हुए कहा कि यह गर्व का क्षण है कि हमारे रीवा के सपूत को राष्ट्रपति के द्वारा वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। वहीं उनकी पत्नी ने कहा कि उन्हें अपने पति पर गर्व है कि दर्जनों लोगों की जान बचाकर वो शहीद हुए। आइए आपको सुनाते हैं वीर सिंह की पत्नी और सांसद ने क्या कहा और किस तरह से उनके स्वागत के लिए जनसैलाब उमड़ा। सैनिकों को चिकित्सा सहायता प्रदान करना जारी रखा और कई सैनिकों की जान बचाई। अंत में वो अपनी चोटों के कारण शहीद हो गए। उपचार उपलब्ध कराने और 30 से अधिक भारतीय सैनिकों की जान बचाने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो उनकी पेशेवर कुशाग्र बुद्धि तथा निष्ठा को प्रदर्शित करता है। नायक दीपक सिंह ने प्रतिकूल हालात में अतुलनीय दक्षता, अदम्य समर्पण का प्रदर्शन किया और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय नायक दीपक सिंह की पत्नी श्रीमती रेखा सिंह। इससे बड़ा गौरव इस धरती के लिए कुछ हो नहीं सकता। दीपक सिंह जी ने जिस वीरता और शौर्य के साथ अपने साथियों की सेवा की, नर्सिंग स्टाफ इनका काम था और अपनी जान की परवाह किए बिना इन्होंने अपने कई साथियों की जान बचाई और अंत में अपने को उत्सर्ग करके भारतीय सेना का गौरव बढ़ाया, देश का गौरव बढ़ाया और दिन के लिए तो अनुपम मिसाल कायम करके गए हैं। हम सब गौरवान्वित हैं और जब तक ये धरती रहेगी तब तक ये नाम अमर रहेगा, उनके कार्य अमर रहेंगे, उनका समर्पण अमर रहेगा, बलिदान रहेगा। आप दीपक सिंह मर रहे हैं।
थोड़ा कैमरा दूर करिए, संदीप भैया कैमरा थोड़ा सा। और वो मेडिकल कोर्ट में थे और आलमर्ड और जो अदर वाले रहते हैं कोर्ट में, उनका चांस रहता है अपना 100 स्थल में दिखाने का, लेकिन वो मेडिकल कोर्ट में थे और उन्होंने अपना काम इतने अच्छे से किया और आगे फ्रंट लाइन में जाकर और मोर देन 30 सोल्जर्स की जान बचाई, इसके लिए सरकार ने उन्हें वीर चक्र दिया है। उसके लिए मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। आज यदि वो होते तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती, देश के लिए उन्होंने कुर्बान की। और वो मेडिकल कोर्ट में थे और आलमर्ड और जो अदर वाले रहते हैं कोर्ट में, उनके पास चांस रहता है अपना 100 स्थल में दिखाने का, लेकिन वो मेडिकल कोर में थे और उन्होंने अपना काम इतने अच्छे से किया और आगे फ्रंट लाइन में जाकर और मोर देन 30 सोल्जर्स की जान बचाई, इसके लिए सरकार ने उन्हें वीर चक्र दिया है। इसके लिए मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। आज यदि वो होते तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती। जिंदाबाद। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।